तो सर मैं सामने देख रहा हूँ एक युवाओं की शक्ति मेरे को सामने दिख रही है, ये आज के टाइम कम देखने को मिलती है, काफ़ी यंग जनरेशन आके डेयरी फार्म में आप आए हो, तो सर इनके बारे में आप बता सकते हो आप कौन हो चारों, एक बार इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो तो। ये मेरा ब्रदर है, रियल ब्रदर है, कोको राव है। राइट। ये जो मेरा फ्रेंड है वो पोलैंड से आया है। पोलैंड से आया हेड, आपके साथ पार्टनरशिप की है, यहाँ डेयरी फार्म स्टार्ट किया है। मैं रोकना चाहूँगा सर आपको, सर आप पोलैंड से यहाँ आए तो आपको कितना साल हो गया यहाँ आए हुए सर? एक साल हो गया। एक साल हो गया, तो आपको वहाँ की जो आप वहाँ रहते थे, यहाँ आने के बाद आपको कल्चर चेंज हुआ होगा, डाइवर्सिटी आपकी चेंज हुई है, आप डायरेक्ट यहाँ डेयरी फार्म में आए हो, तो आपको एडजस्ट करने में कुछ समय नहीं लगा या आपको ऐसा अपने अपनी गलती पे आपको गलतफहमी नहीं हुई कि मैं वहाँ से क्यों छोड़ के आया? नहीं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? नहीं ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है मेरे को, इधर आके अच्छा लग रहा है। हाँ? उधर से ज़्यादा, उधर से ज़्यादा आपको अच्छा महसूस कर रहा है? जैसा हमने पहले बताया कि हम ऐसे सोच रहे हैं कुछ काम करेंगे हम खुद के लिए करेंगे, राइट, अपना बिजनेस डेवलप होगा, वो यही सेम यही कंसेप्ट पे मानता है, पर ये भी ऐसा है। पोलैंड में आप क्या काम करते थे सर? पोलैंड में मैं मैकडोनल्ड में जॉब कर रहा था। मैकडोनल्ड में आप जॉब कर रहे थे सर, तो सर आपको डेयरी फार्म अच्छा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है। आगे इसको जारी रखना चाहोगे? जारी रखना जी सर। इसके इनके बारे में बताइए सर। हरदीप पड़िया रहे, वो भी मेरा फ्रेंड है और पार्टनर्स भी है उसमें। आप ये तीनों आप पार्टनरशिप में? हाँ। ये धंधा कर रहे हो? हाँ, तीनों पार्टनरशिप में। जी सर बहुत अच्छा है सर, जो युवा सामने देख रहे हैं आप देख सकते हो, आज लोग कहते हैं पेरेंट्स प्रेशर करते हैं कि IAS बनिए, वो बनिए, ये देखिए पोलैंड से जॉब छोड़ के आए हैं, ये इंजीनियरिंग करे हुए हैं, ये भी अच्छे खासे ग्रेजुएट पर्सनस है और ये अच्छा खासा एक उसको डेयरी फार्म को चला रहे हैं और उसको उस हिसाब से नहीं चला रहे हैं, उसको एक नई टेक्नोलॉजी एक नई एडवांस लेवल पे इसको लेके गए हैं। आपको जैसे मैंने बताया था इनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है, सारा ऑनलाइन सिस्टम इन्होंने जनरेट कर रखा है, तो कुछ यूनिक करोगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। और सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे, अगर कोई आप में से युवा है, युवाओं को मैसेज देना चाहोगे तो कुछ शब्द आप बताना चाहोगे? हाँ, मैसेज मैं सिर्फ यही देना चाहूँगा कि आप मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, वो आप जैसे मेहनत करोगे तो आपको मिलेगा ही। आप सर आप कुछ बोलना चाहोगे सर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम दूसरे धंधे में और उसमें जब मेहनत करते हैं तो ये धंधे में थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, थोड़ी मेहनत में हमको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है और हमारा नेचुरल वातावरण मिलता है। हम इधर गैया के बीच में जब आते हैं तो हमको पूरा वातावरण चेंज हो जाता है। नहीं सर, एक सोसाइटी के अंदर सवाल होता है कि यार ये गाँव काम कर रहा है एक AC में बैठने वाला, पर धंधा तो धंधा होता है, आप इसमें कैसे आपके क्या इसमें व्यूज है सर? मैं उसमें ऐसा बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट करना चाहिए, हम मैनेजमेंट से काम करेंगे ना। हाँ। तो दो आदमी ज़्यादा लगेंगे हमारे पास, लेकिन उससे ज़्यादा हम मैनेजमेंट में जो फोकस करेंगे तो हमारा काम भी अच्छा रहेगा, सैलरी और उसमें भी हम सेट रहेंगे और हमारा एक काम भी रहेगा अच्छा। क्या मैनेजमेंट करेंगे तो अच्छा ही काम मिलेगा। राइट सर, मैनेजमेंट तो कौन सा भी बिजनेस हो मैनेजमेंट तो सबसे मेन उसका फैक्टर होता है, अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं है यू विल नॉट बी एबल टू सक्सेस इन दैट एंड यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इन दैट बिजनेस। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो क्या है कि हम जो टाइम पे आके हम मैनेजमेंट पूरा करते हैं ना तो उसमें हमको बहुत कुछ दिक्कत नहीं होती है, गोबर और उसकी कुछ परेशानी नहीं होती है। शाम का 2 घंटा सुबह यही टाइम स्पेंड करते हैं, अगर काम को कभी इश्यू होता है तभी हम आते हैं और करते हैं, बाकी तो सब हमारे पास स्टाफ है, मिल्किंग का अलग स्टाफ है, मिल्किंग जो डिलीवरी करते हैं वो बॉय अलग है, डेयरी में जो मिल्क डालने के लिए जाता है वो डिलीवरी बॉय अलग है, दोहने का जो है वो लोग अलग है, तो सब मैनेजमेंट हमने कर रखा है। गोबर का एक पास नहीं है तो वो लोग आके गोबर उठा के डाल देते हैं, गाय को नहलाते हैं, वो सब मैनेजमेंट से ही होता है, हमको कुछ करना नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट करना है। या आपको मैनेजमेंट करना, आपने रोल्स स्पेसिफाई कर रखे हैं, डिवाइड कर रखा है। हाँ। कौन से बंदे को कौन सा रोल, वही तो मैनेजमेंट है। राइट अगर सर, काम आप थोड़े थोड़े पीसेस में वो डाइवर्ट कर देंगे तो आपको टाइम पे काम खत्म हो जाएगा। सुबह में हम बोला जैसे 5 बजे शुरू करते, 7:30 बजे तो हम इधर कोई होते भी नहीं है। राइट सर, कभी 8 बजे तक होते हैं लेकिन 7:30 बजे सब काम खत्म निपटा के अच्छे से घर पे चले जाते हैं और शाम को 4:30 बजे आते हैं। शाम को सेम शेड्यूल है, 7:30 बजे हम घर पे होते हैं। राइट सर, आपके कुछ व्यूज है सर, आप क्या कुछ बोलना चाहोगे सर, कुछ गुरु मंत्र देना चाहोगे किसान भाइयों को या जो युवा देख रहे हैं उनको? इतना ही कहना चाहूँगा, मेहनत करोगे तो कामयाब जरूर ही मिलेगी। जी सर, मेहनत आप निष्ठा भाव से करोगे तो जरूर आपको सक्सेस, यू विल बी एबल टू गेट द सक्सेस। आपके सर कुछ व्यूज सर? कुछ नहीं सर, मेहनत करोगे तो जरूर काम मिलेगा। जी सर, जैसे कि आप कर रहे हो दिन रात मेहनत करते रहते हो सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी अच्छे व्यूज़ रखे और मैं चाहता हूँ कि आपकी जोड़ी यूं ही सलामत रहे, भगवान से ये भी दुआ करता रहूंगा कि आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहे। हमारे पास 100 गाय करना है 2 साल के अंदर, ये आपका टारगेट है सर, हम आपको फिर से बुलाएंगे सर। बिल्कुल सर, हम जरूर आएंगे, हम आपका कवर करेंगे सर। ओके, थैंक यू सो मच सर।